जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की कक्षा 5 से पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक। नारी शक्ति की प्रतीक में हम भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ रहे थे कि भगिनी निवेदिता जो हैं उन्होंने क्या किया था, विवेकानंद जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था और उन्होंने छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम भी सिखाया। कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया था और जब कलकत्ता में महामारी फैली थी तो टोली बनाकर दिन रात भूत प्यास की चिंता किए बिना उनकी सेवा की, सफाई की और उनकी मदद की। और अंग्रेजी समाचार पत्र जो आता था उसमें भी अपील प्रसारित कर मदद मांगी, उन्होंने मदद मांगी और धन संग्रह किया। संग्रह में इकट्ठा करना, धन इकट्ठा किया और वह लिखने और बोलने की कला में निपुण थी और इसी क्षमता का उपयोग कर वह अपने बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। ये हमने कल के वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं आगे। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार देखा। बर्बरतापूर्वक यानी बहुत ही अनुचित व्यवहार, बहुत ही गलत व्यवहार, अन्यायपूर्ण व्यवहार उन्होंने देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत के साथ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का वो समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने बंगाल का जो विभाजन हुआ था, विभाजन करना यानी दो टुकड़ों में बांट देना, अलग अलग करना, तो उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्होंने तो पहले तो बंगाल विभाजन का विरोध किया था, उसके बाद उन्होंने जगदीश चंद्र बोस हैं उनकी उपलब्धियां कहाँ रखी, विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद हैं उनके जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्थितियां स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। भारत की जो स्त्रियां थी वो उनको बहुत अधिक प्रभावित करती थी, यानी उन्हें वो बहुत पसंद थी, उन्हें अच्छी लगती थी भारत की स्त्रियाँ। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वो जो भारत की स्त्रियां हैं, भारत की जो औरतें हैं, वो उन्हें अच्छी लगती थी क्योंकि उनके अंदर वो क्या देखती थी, लज्जा के भाव, विनम्रता के भाव, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। भगिनी निवेदिता को ये सब ऐसा लगती थी कि देखो कितनी अच्छी हैं भारतीय औरतें जिनके अंदर लज्जा की भावना है, वो शर्म लाज, लज्जा मतलब शर्म करना, किसी बड़े बुजुर्ग हैं या किसी को कार्य करना है तो बड़ों की आज्ञा लेकर उनकी हम इज्जत रखते हैं, उनसे हम शर्म करते हैं, तो उनके अंदर एक लज्जा के भाव होते हैं, विनम्रता के भाव होते हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान होता है, उनके अंदर सेवा भाव होता है, वह अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होती है और ममत्व की आदि की प्रतिमूर्ति मतलब उनके अंदर ममता के भाव होते हैं। तो यह सब उनको ऐसा लगता था कि ये मूर्तियां हैं, कोई ममता की मूर्ति है, कोई सेवा की है, कोई विनम्रता, स्वाभिमान, तो भारतीय स्त्रियों के ये गुण उनको बहुत अधिक प्रभावित करते थे। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्वक कार्यों को भी याद दिलाती थी। वह समय समय पर महिलाओं को क्या याद दिलाती थी, लक्ष्मीबाई जो हैं, लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई के वीरतापूर्वक कार्य। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने, लक्ष्मीबाई ने अपना और अपने पुत्र का भी बलिदान दिया। अहिल्याबाई ने भी हमारे देश के लिए बहुत दान पुण्य और मंदिरों के उद्धार,
और कई वीरतापूर्ण कार्य उन्होंने किए हैं। और ये दोनों अब क्या हैं, आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी हम इनके किए गए कार्य को याद करते हैं। तो भगिनी निवेदिता भी इनको महिलाओं को लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्य को भी याद दिलाती थी कि हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। ये जो अहिल्याबाई हैं, उनकी जो दृष्टि है यानी उनकी देखने की क्षमता या उनकी सोचने की क्षमता, तो उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो व्यवहार था, वो जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थे। उनकी जो सोच थी वह जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। वह ये नहीं सोचते थे कि इनकी जाति क्या है या हमारी जाति क्या है, हम किस प्रांत के हैं, हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सबको एक समान ही समझते थे। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद, जब से भगिनी निवेदिता भारत आई, तो भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी हैं। वह भगिनी निवेदिता विदेश से आई थी, लेकिन वो भारत में रहने के कारण हम लोगों के बीच रहते रहते इतनी घुल मिल गई कि हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी महिला है। ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच की ही एक महिला है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। भगिनी निवेदिता ने जो भारत के लिए किया उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धत वेद की पावन ऋचाओं का विस्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। जो हमारे स्वामी जी थे, वो उनकी भी आयु कम ही थी, तो स्वामी जी की तरह ये भी 44 वर्ष की आयु में नीचे उद्धत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। ये जो लिखा हुआ है नीचे वेद, ये वेद की वाणी है, तो इसका हमेशा वो स्मरण किया करती थी और इन्हीं को याद करते करते वह इस दुनिया से, इस संसार से विदा हो गई। वो क्या याद किया, स्मरण करना यानी याद करना, तो वह सदैव क्या याद किया करती थी, अस्तो माँ सद्गमयः तमसो माँ ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयः। अस्तो माँ सद्गमयः, अस्तो मतलब असत्य से, अस्तो माँ सद्गमयः असत्य से सत्य की ओर। हमें असत्य से सत्य की ओर ही बढ़ना चाहिए। अगर हम असत्य के मार्ग पे हैं तो हमें किस मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए, सत्य के मार्ग की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो यानी अंधकार, तमसो का अर्थ होता है तमस यानी अंधकार, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमया अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ना है। मृत्युर माँ अमृतम गमया और मृत्यु से अमृतम यानी अमरता की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ना है। तो वो हमेशा यही हमेशा स्मरण करती रहती थी कि असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ो, प्रकाश की ओर बढ़ो और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ो। ऐसे हम दुनिया में आते हैं और हम जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो हमारी मृत्यु को कोई नहीं जानता है। कुछ समय हमें याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी लोग हमें याद करें और हम अमर हो जाएं। जैसे आज हम भगिनी निवेदिता को भी याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए, तो आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन वो अमर हैं, इसलिए हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। तो हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए अपने देश के लिए कि हम अमरता की हमेशा अमर हो जाएं। तो अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, मृत्युर मा अमृतम गमय यानी मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। ये उन्होंने हमेशा हमें स्मरण किया और हमेशा हमें यह सिखाने की कोशिश करी है।